أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توها وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وعلى محمد آج دنك دعاء اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك

और मुझे अपने एहसान व नेमत से अपनी नाराजी के कामों से बचाए रख ए रबत करने वालों की आखिरी उम्मीद दो तीन चीज़ें यहाँ पर आज के दिन खुदाबंद मताल से हम लोगों ने मांगी हैं एक ये कि गुनाहों से दूरी और फिर तमाम जो मासी खुदाबंद मताल की हैं नाफ़रमानियाँ हैं उनसे जो है वो दूर और दरख्वास ये करते हैं कि खुदा के गज़ब से भी जो हैं खुदा उससे हम लोग दूर रहें अब ये जो लोग जो गुनाहकार होते हैं वो ना जाने जितना भी अच्छा अपने आप को शो करें जितना भी ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाए अच्छा पहन लें ओण लें और एक शान अपने लिए क्रिएट करें शान बनाए रखें अपनी लेकिन हकीक़त में जो है वो ख़ुदा के नज़दीक उनका जो हिसाब किताब ही मुख्तलिफ है और इसी तरह जो है मोमिनीन जो कि खुदा वंद मत से करीब होते हैं ख़ुदा फरमाता कि उनको जो है मैं अज़ीज़ और उनको जो है महबूब करार दूँगा अपनी इस कायनात में अपनी मखलूक में उनको ज़लील करूँगा इनको मैं महबूब बनाऊँगा और ये तमाम जो है वो क़रन की आयात से ही साबित है खुदा मतौाल फरमाता है कि अगर कोई शख्स जो है ईमान की खातिर और आमाल साल अगर वो करता है तो खुदा जो है उसको अज़ीज़ बना देगा महबूब बना देगा कायनात में देखा होगा आपने बहुत से लोगों को जिनको हम लोग जो है बिल्कुल एक सीधी साधी ज़िंदगी करने वालों की तरह जानते थे लेकिन जनाज़ों में उनके कितने लोग आते हैं बहुत ही बेतहाशा कुछ साल पहले वहाँ पर जब मैं लंदन में था एक फ़ोन आया एक साहब थे उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया और जो जिस शहर में वो रहते थे वहाँ पर मुसलमान हैं ही नहीं कह, कह रहे थे कि मैं तीस पैंतीस साल से यहाँ पर हूँ और यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं कोई मुस्लि मुस्लिम फैमिली नहीं ये साउथ एंड ऑन सी के पास एक शहर है और वहाँ पर सारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ये यू की इंग्लैंड की सब वहीं पर और बहुत ही उसका तो समाई ही मुख्तलिफ है यानी वहाँ पर देखें यहाँ पर लंदन देखें तो टोटली डिफरेंट लगता ही नहीं कि ये इंग्लैंड में है ये इतना उसको उन्होंने साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाया इनका फ़ोन आया कहने लगी कि मैं कई सालों से यहाँ पैंतीस साल से यहाँ पर हूँ और यहाँ पर कोई है नहीं और थोड़ा बहुत जो मुझे आता है दीन के बारे में मैं उसे प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि यहाँ पर इमाम बाड़ा नहीं कोई मस्जिद नहीं तो मैं खुद ही जो है वो आ, कैसेट्स लगा कर आ, मजलिसों को जो है अपने घर में मैंने जिंदा रखा है बीवी मेरी जो है वो यहीं की लोकल आ, ब्रिटिश है गोरी एक बच्चा है खुदा ने मुझे दिया वो भी डेबल्ड मुझे जो है दो हार्ट अटैक हो चुके हैं ऑलरेडी तीसरा जो है वो फेटल होगा और मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा अपने घर में रहता हूँ कोई हलचल है नहीं मूवमेंट है नहीं लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी मरने के बाद तदफीन जो है यहाँ पर ये यह काउंसिल वाले आकर जो है मुझे इनके जो लोकल कब्रिस्तान है वहाँ पर दफना लें क्योंकि यहाँ पर तो कोई मुसलमान कब्रिस्तान है भी नहीं तो कहा कि आप मदद कीजिए तो एक चीज़ जो फ़ौर उसी वक्त जहन में आई मैंने उनसे कहा कि आप वसीयत कर दें मुझे अपना वसी बना दें और फिर इसको लीगल कर दें वो खुश हुए और फ़ौर गए लाइब्रेरी और वहाँ से जो है उन्होंने वो जो वसीयत के फॉर्म्स थे वो भी ले आए और उन्होंने फिल भी कर दिया उनका फ़ोन भी आ गया कि मैंने ये सब कर दिया मैंने अभी मैं जाके इसको ट्यूज़डे को इसको अपने लॉयर को दे दूँगा और फिर उस वक्त ये लीगल हो जाएगा और वो इतफ़ाक़ से लॉन्ग वीकेंड था यानी फ्राइडे भी छुट्टी मंडे भी छुट्टी इनका फ़ोन आया था थर्सडे को और फिर वो ट्यूसडे को फ़ोन आ रहे हैं पाकिस्तान से कई फ़ोन आ रहे हैं वो बोले जा रहे हैं मैं समझ में नहीं आया कि किस चीज़ का फ़ोन है किसके लिए फ़ोन है फिर एक उनकी बहन का फ़ोन आया वो कहने लगी कि हमारे भाई ने आपसे बात की थी पिछले हफ्ते और दास्तान बताई उनकी का उनका इंतकाल हो गया यानी उस अरसे से यानी जमेरात को जो बात हुई थी सुबह को फिर शाम को जो बात हुई थी वसीयत उन्होंने अपनी लिख दी लेकिन वो लीगल करने के लिए ट्यूसडे का इंतज़ार था और ट्यूसडे को जो है उनका उसी वीकेंड में उनका इंतकाल हो गया अब वो वसीयत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बात की हॉस्पिटल से तो उन्होंने जो है उसको उनको पोस्टमार्टम का भी वो कर दिया कि नहीं करेंगे पोस्टमार्टम तो उनसे कहा कि हम लोग हर्ष यहाँ से भेजेंगे आप वो जनाजा हमारे हवाले कर दें तो वो भी राजी हो गए उस पर भी मैंने आमतौर पर राज़ी नहीं होते कि यहाँ से वहाँ तक भेजें तो जनाजे का भी इंतज़ाम हो गया वहीं पर आए लंदन में जुमे का दिन था जनाजा पहुँचा गसल दिया उनको और फिर नमाज जनाजा उनकी हुई तकरीबन उस नमाज जुमा में उस दिन तीन सौ लोग कुछ आए थे नॉर्थ लंदन में वहाँ पर इतने सारे लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की और मैं गया वहाँ पर जाके देखा पहली बार देख रहा हूँ इनको सारी बातें फ़ोन पर ही हुई थी यानी सीधे साधे और फिर जो भी उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा बहुत जो जानता था उस पर मैं अमल करता था तो खुदावंद मतआज़ जो है वो महबूब बना देता है यानी जो चाहते हैं आप और फिर जिस तरह आपकी ख्वाहिश होती है वो ख्वाहिश जो है वो पूरी भी हो जाती है और फिर जिस शख़्स को पैंतीस साल उस शहर में गुजरे और कोई था नहीं वहाँ पर जनाजा जो है बड़ी इज्जत से उनका उठा बहुत ही इज्जत से जनाजा उठा इतने सारे लोग उन्होंने शिरकत की जुमे का दिन था इसके लिए जो है खुदाबंद मताल कुरान में फरमाता है कि आमन आमहत सै जानमानदा यानी वो लोग जो ईमान लाए हैं या ईमान पर हैं और फिर उन्होंने आमाल सालेह भी अंजाम दिए सैज आल्रमानदा खुदांद मताल उनको जो है अजीज़ महबूब बना देता है कायनात में गरजे ना तो हमने उनको कभी देखा ना उन्होंने कोई हमारी खिदमत की ना हमने उनकी कोई खिदमत की लेकिन ये इज्जत और मोहब्बत जो है ये खुदा देने वाला है यह जो बेहतरीन मिसाल जो सबके सामने है ये शहीद सलेमानी और जो शहदा उनके साथ इन्होंने जो काम किया था यानी दिफाए हरम्हाय मुक़दस दिफाए अहलबल दिफ़ मुमिन और कोई जानता तक नहीं था यानी उनकी शहादत की बात बहुत सुने उनको जाना यानी ये जो आमाल साल और फिर ईमान अगर वो जितना ज़्यादा खालस और सिंसियर होगा उतना ज़्यादा जो है खुदाव मुतार उनको महबूब और अज़ीज़ बनाएगा उसकी कायनत में तो वहाँ पर इस दुआ में यह था कि जो गुनाहकार हैं उनसे हमें दूर रख और इस तरह उसके मुकाबले में जो ईमान और हसनात हैं उनसे जो है खुदाबंद मताल जो है खुश होता है और फिर उनको जो है महबूब भी बनाता है उसकी अपनी ही कायनात में तो आज जो हमने मांगा खुदाबंद मताल से वो ये था कि अल्लाह तखजुलफ़ी ही तारज नासी चिक कि ऐसा ना हो कि मैं जो हूँ तेरे गुनाहों की तरफ़ जो है जाऊँ और बाज लोग डट के गुनाह करते हैं जो डट के गुनाह करेंगे वो डट के जो है जलील भी होंगे डिसग्रेज भी होंगे इसी दुनिया में दुआ अबू हमज़ा जिसका ज़िक्र हुआ था वहाँ पर इमाम सज्जाद सलामल अ फ़रमाते के अनत ही वन वम अन तगाय सनी बफ अली वी अती अलाफ 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 कि खुदाया तो जो है मेरा परवरदगार है और तेरा हेलम और टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और मेरी उम्मीद ये है कि तू मेरी इन बुराइयों की खातिर मुझे जो तू अजाब करेगा खुदा मुझे माफ़ कर दे और ये अलाफ 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 यहाँ पर मुश्ताब है इंसान इतने मरतबा कहे कि उसकी साँस जो है वो रुक जाए तो आज की दुआ में था कि ला तरबनी बस्यात नकमत कि खुदाया अपनी जो है इस लाठी से जो है मुझे नामार अपने इस नकमत और अपने इस अजाब की लाठी से खुदावंद मतअ जो है जो हम शुरस में पढ़ते हैं कि अल्लाह समद बेनियाज है उसे जो है हमारी इबादतों से कुछ नहीं मिलता हमारी इबादतें जो है हमारे लिए ही जो है बायसे तरक्की बायस बख्शिश बायस उलवा दरजात हैं यानी इससे ख़ुदा को कुछ नहीं मिलता अगर मैं नमाज पढ़ूँ या नमाज ना पढ़ूँ अल्लाह समद बेनियाज है हमेशा से बेनियाज है हमेशा जो है वो बेनियाज रहेगा हज़रत शुब सलाम्ल उनको जो है वो ख़िताब हुआ कि आपकी उम्मत में से जो है एक लाख लोगों को जो है मैं आज़ाद करने वाला हूँ हज़रत शुएब ने पूछा कि एक लाख बंदे ये कौन कहा कि इसमें जो है चालीस हज़ार जो है वो गुनाहकार हैं, साठ हज़ार जो हैं वो अच्छे लोग हैं तो इन्होंने पूछा कि अच्छों की ज़्यादा तदाद सिक्सटी परसेंट अच्छे फोटी परसेंट बुरे जवाब में खिताब आया कि क्योंकि वो जो अच्छे भी हैं उनके साथ मिले हुए हैं बुरों के साथ तो ये एसोसिएशन जो है ना ज़रूरी है कि हम किस एसोसिएशन अपनी किस्से रखते हैं ये बॉन्डिंग अपनी किस्से रखते हैं कुरान की आयत है, हम लोग जो ये दो हर रोज़ दस मरतबा पढ़ते हैं कि एहदना सरातलमस्तकीम खुदा हमें जो है वो सरात मस्तकीम पर बाकी रदायत कर अभी राह मस्तकीम है कौन सी वाम यूतःल्ल्र रसूल जो खुदा की इतात करे रसूल की अतहत करे पौलाक मालीन अनामल आल उनमें से इनका शुमार होगा जिस पर जो है खुदा की नमत हैं यानी आहदना मुस्तकीम यानी वो जिन पर जो है खुदा की नमतें हैं अब ये हैं कौन ये मिनन नबीयीन यानी खुदा फिर उसकी त, तफसील देता है यहाँ पर वो नबीयीन में सेद्दीक में से शहदा में से, से साल ये सब जो हैं ये वह हैं जिन पर जो है ख़ुदा की नमतें हैं फिर वहाँ सुना उला एक या रफ़ीका और ये जो है बहुत ही नेकू और नेक जो है इनकी कंपनी या इनका जो है ये जो टोला है जिनकी गैदरिंग है ये बहुत ही अच्छी है यानी जिस तरह अच्छे लोगों की गैदरिंग है अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे लोगों के साथ ही मशहूर होंगे अगर हम चाहें कि जिस तरह पहले जो मिसाल थी उस मरहूम की कि वो चाहते थे कि उनकी जो है वो मुसलमानों के साथ उनकी तदफीन हो ख़्वाहिश रही है जितना उनको आता था उन्होंने अमल किया उसी शहर में जहाँ पर कोई था भी नहीं लेकिन खुदा वंद मताल ने जो है उनकी सुनी है सुना उला एक रफीका यानी ये बहुत ही नेकी से और बेहतरीन रफ़ा बेहतरीन कंपनी जो है उनको अता होगी हदीस है हमारे पास प्रमाते हैं कि अगर कोई पत्थर भी हमें जो है वो दोस्त रखे वो जो है हमारे साथ मशहूर होगा यानी जिसके साथ आप रहना चाहेंगे उन्हीं के साथ रहेंगे और अगर चाहते हैं कि महबूब हों खुदा की इसका इस कायनात मेंज़ीन आमन सैद आल् मरम खुदांद मत हैं उनको महबूब करार देगा तो यहाँ पर जो पहली चीज़ हमने खुदा से मांगी वो ये कि खुदा हमें तोफ़ीक दें कि हम तेरी इबाद आ, हम तेरी बंदगी करें यानी बंदगी यानी इतात यानी जो कुछ भी खुदा वंद मताल ने फरमाया उस पर जो हम आ, है हम लोग उतरें हदीस हदीसी है खुदावंद मुताल फरमाता है कि इसी इतात की खातिर यानी ये जो बंदगी होती है जो कुछ भी उसने फरमाया उसे करते रहें जो कहा कि मना किया तो उसको छोड़ दें इतना ही बंदगी इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं यानी जो कुछ भी वो डूज़ एंड डोंट्स यानी कुछ अवामिर हैं करना है कुछ नवाहीन ना करना है इन दोनों के दरमियान आप रहेंगे तो खुदा वंद मतल फरमाता है कि यब न आदम अना लाफ तकर फ़ीमा अमर तो अज आलोक ला, ला तफफ़र बनी आदम मैं वो बेनियाज हूँ जो कि वो गनी हूँ जो कि कभी फ़क्र और नियाज जो है उसकी तरफ नहीं आती आते फ़ीमा अमर तुक जिस तरह मैंने तुम्हें कहा है उसी तरह तुम इत करो मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूँगा बे नियाज, गनी बे नियाज और कभी भी तुम भी जो है वो फ़्र की तरफ और नियाज की तरफ नहीं जाओगे फिर फरमाते हैं कि याब न आदम अन हय लाच अत अन फ़ीमा अमर तो हय लातमूच मैं जो हूँ वो जिंदा हूँ जो कभी मरता नहीं तुम भी जो है मेरी इतात करो मैं तुम्हें जो हूँ अपनी तरह जिंदा बना दूँगा जो तुम कभी मरोगे नहीं फिर फरमाता है कि यबना आदम अन अकूलशन कन फ़ैकून मैं जो हूँ किसी भी चीज़ को मैं कौन कहता हूँ कि हो जाता है फिर वो कन फ़ैकून तुम मेरी इतात करो मैं तुम्हें भी है अपनी तरह बना दूँगा तुम भी कहोगे और वो हो जाएगा तो ये सब कुछ जो है ना ये इतात ही के ज़रिए नहीं जितनी ज़्यादा इंसान की इतात होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर जो है ये खुदा बंद मत सलाहियत देता है इन चीज़ों की तो इतात ज़रूरी है और इसी इताद के मुकाबले में चाहिए गुनाह है और ख़ुदा बंद मताल की नाफ़रमानी है और इन्हीं नाफ़रमानियों में मसलन एक शख़्स आया इमाम सादक सलाम्ह के पास रावी है अब्दुल अब्दुलअीम हसनी और फिर इमाम को उसने सलाम किया और फिर तला हाजहल आया इस आयत की तलावत की अलवी नजत न खबास्म वलफवाहशम अम सक्या यानी इसने तलावत की कि वो लोग जो के गुनाहान कबीरा और वो लोग जो के कबी अफ़ल से परहेज़ करते हैं वो लोग जो के बेहयाई के कामों से जो है परहेज़ करते हैं और इतना ही इस आयत की तलावत की और वो चुप, सुम्मा अमसक। तो चुप हो गया सु मम इमाम फरमाते हैं कि माँ अस्ख्यता क्यों चुप हो गए जवाब में वो कहता है कि ओहब अन आरफल कबाखिल्लाजल कहता है कि इमाम से कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये कबायर हैं क्या इमाम ने जो है वो तफस शुरू की फरमाते हैं कि फ़ल नाम या यामर अकबर कब अलश्रकबिल्लाक़ूल मयुशरक फ़क़द हरमल्ह फरमाना शुरू किया इमाम ने कि जो सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनाह या कबायर में से है वो शेरक बिल्ला है कि खुदा बंद मताल ने क़ुरान में फरमाया कि हर वो शख्स जो कि शर्क इख्तियार करता है या मुशरक़ होता है तो खुदा ने जो है उस पर जो है जन्नत हराम कर दी है फ़क्त हर रम आजन्न वह बाद हो फिर फरमाते हैं कि इसके बाद जो दूसरा जो बड़ा गुनाह है या कबायर में से है रोहिल्ला, यानी खुदा की रहमतों से मायूस होना ये जो है ये बड़ा गुनाह है कबायर में से है फिर खुदा बंद मतअ फ़रमाता है कुरान में ला यासमिन राऊ ला लल यानी खुदा की रहमत से मायूस नहीं होते मगर वो कौम जो कि काफ़िर है ये दूसरा गुना यानी या इस जो है ना ये खुदा मायूस होना सबसे बड़ा गुना है इन परेशानियों में खूस जो आजकल के हालात हैं इसमें जो है कभी भी मायूस नहीं होना क्योंकि रास्ते जो हैं अगर बंद हुए हैं खुदा की तरफ से खोलने वाला भी वही है इसबाब बनाने वाला भी वही है इसबाब को तोड़ने वाला भी वही है यानी अगर इस तरह के हालात अभी क्रिएट हुए हैं यकीन इसके पीछे जो है कुछ बेहतर बन रहा है इस यानी हमें इस तरह उम्मीद रखनी चाहिए कि खुदा बंद मत जो हकीम है जो कि अपने हमारा खालक है अपने मखलवा उसने खलक़ किया और वो तो हरकस नहीं चाहेगा कि उन्हें जो है तकलीफ़ हो अलिया इस यानी मायूस होना तो यहाँ पर इसबाब का बनाने वाला भी वही है अब यहाँ देखें अब आप पीछे हज़रत यूसुफ़ सलाम्है जब उनको जो है जब उनको जो है उनके भाइयों ने ला के कुएँ में डाल दिया अब यहाँ पर हकीकत में ये होना था कि जब कुएँ में कोई बच्चा गिरता भी है तो उसे मर जाना चाहिए था डूब जाना चाहिए था वहाँ पर लेकिन वह बच गए और फिर जो कारवान वहाँ से जा रहा था उनका तो इस तरफ आना भी नहीं था उनको प्यास लगी पानी नहीं था उनके पास तो अपनी प्यास को जो है बुझाने के लिए वो पानी की तलाश में इस कुएँ के पास पहुँचे अब कुएं में जब इंसान बाल्टी डालता है तो बाल्टी में पानी आना चाहिए अब उस बाल्टी में पानी के बदले में एक खूबसूरत सा जवान बच्चा आया तो यहाँ पर उस बच्चे को जब देखा इन्होंने अब इनको जाना था कहीं और जो ही बच्चे को देखा कहा कि इसको हम जाके बेच देंगे यानी उनको जो है वो जो जहाँ पर ये ग़ुलाम और कनीज़ बिकते थे वहाँ पर जाना था ही नहीं उनको जाना था कहीं और लेकिन जब देखा बच्चा इतना खूबसूरत है हसीन कहा इसको बेच कर हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे तो गए वहाँ पर बेचने के लिए और बादशाह जो कि अज़ीज़ मैसर और फिर उसकी बीवी जो जुलेखा है ये लोग कभी भी बाज़ार आते नहीं थे और खसूस ग़लाम और कनीज़ यहाँ पर बिकते थे वहाँ पर आते ही नहीं थे इनका आना होता ही नहीं था उस दिन वो इत्फाक़ से वहाँ पर आ गए और उन्होंने जो ही देखा इसको कहा कि इसको हम लोग ख़रीद लेते हैं तो ये तमाम जो इंसिडेंट्स यहाँ पर हुए ये कुछ भी इसमें इतफाक़ी नहीं था यानी इतफाक़ी यानी हम लोग जो कहते हैं कि बाय एक्सीडेंट हो गया ऐसा यानी इस कायनात में कुछ भी जो है कोई भी चीज़ एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट नहीं होती वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ का बचना उस कुएँ के अंदर वहाँ पर उनको प्यास लगना उनकी प्यास बुझने के लिए कुएँ के पास आना और उस बाल्टी में पानी के बदले में हज़रत यूसुफ का बाहर निकलना और यहाँ पर बाज़ार में आना और उस बादशाह और उसकी जो मलिका थी उनका भी बाज़ार में पहुँचना ये तमाम इसब जो है खुदावंद मताल ने मुहैया किए थे कि हज़रत यूसुफ़ जो है उस मकाम तक पहुँचें तो उस मकाम तक पहुँचने के लिए बहुत सारी उन्होंने इम्तहानी दी बहुत सारे टेस्ट्स और ट्रायल्स और हर एक जो है दूसरे से ज़्यादा सख्त और सख्तर लेकिन क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी थी तवानाई थी बर्दाश्त की उन्होंने बर्दाश्त भी किया इसी तरह हमारे साथ भी ये जो हालात से हम लोग अभी फैलन गुजर रहे हैं तो यहाँ पर मायूस नहीं होना है। क्योंकि मायूस जो है वो यस सबसे बड़ा गुनाह है यानी गुनाह से ज़्यादा बड़ा गुनाह जो है वही यही यास अनुहल्ला वमिन हा अकूकदेन फिर फरमाते हैं कि इसके बाद जो है जो बड़ा गुना है कबायर है वो वालद आक, आक के वालद होना आक़ के वालदे यानी वालदान डिक्लेयर कर दें बच्चे को कि ये जो है ये नाफरमान है और जो आक़ के वालदे होता है उसके लिए जो है जो कुछ भी खुदावंद ने जन्नत में रखा है वो भी उसके लिए उस पर जो है हराम हो जाता है यानी इंसान जो है नाफरमानी की खादर वालदान का जो है वो आक को जो अब ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में ही हो नहीं बहुत से होते हैं कि जो कि ज़िंदगी में अच्छे होंगे लेकिन मरने के बाद जो है उन्होंने बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ किया जो कि उनके वद्देन की रज़ा थी तो वहाँ पर मरने के बाद भी वो अकूक जो है उन पर अप्लाई करता है या जो है कोई शख्स मुमकिन है कि आपके वालदान था इस दुनिया में वालदान की जो है नाफ़रमानी की खातिर लेकिन मरने के बाद उसने अपने आप को जो है वो सुधार लिया तोबा कर लिया वो सही हो गया तो यहाँ पर जो है उसके लिए उसके लिए जो है वो रिवर्स हो जाता है आप कमाल लिए मर मरहूम सैद जमाल गुल पैगानी हमारे बुजुर्ग महाराज तकलीद में से हैं इनका शुमार नाइनटीन फिफ्टीज़ केमा में ये इनका शुमार और ये वो है जिनको जो है वो नज़र आता था कि हक़ क्या है पीछे जो है क्या कुछ खुदा बंद ने रखा हुआ है कहते हैं कि एक दफ़ा एक जनाजा आया दफन के लिए और मैं वहीं पर था तो उन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इनकी जो है तलकिन पढ़ें इस जवान की इन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा भी आता हूँ पढ़ने के लिए और वहाँ पहुँचे वहाँ पर और यह यह हुआ ये इस फाहान में तखतेफिला जो कब्रस्तान है वहाँ का वाक़ आई कहते हैं कि वो आए और फिर जब जूँ ही उन्होंने तलकिन पढ़ानी शुरू की उस जवान पर कब्र में तो कहते हैं कि वहाँ पर मैं जूँ ही कहा कि इस माफ़ हम सुनो समझो तो वो कहने लगा कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा दोबारा इन्होंने कहा कि एस माँ एफ़ हम फिर उस मुर्दे ने उस मरहूम ने कहा कि नहीं सुनाई दे रहा और नहीं समझ में आ रहा और कहते हैं कि उसी कब्र में मैंने देखा कि सामने जो है कुछ शैतान के थे जो कि नाच रहे थे कि एक और जो है हमारा एक कस्टमर आ गया एक और जो है हमें मिला शिकार तो फ़ौर क़ब्र से बाहर आए देखा कि सब उसमें कुछ लोग जो हैं वो एक एक मर्द और एक औरत रो रहे थे अच्छा इस जो ही इस बेटे को कब्र में उतारा था तो माँ जो वहाँ पर थी मौजूद उसने कहा कि मैं जाकर इससे पहले कि मेरी ये कब्र बंद हो मैं ज़ियारत आशरा की किरात करती हूँ अपने बेटे के लिए माँ जो है कोने में गई ज़ियारत आशूरा शुरू कर दी उसने पढ़ना और रो भी रही थी बहुत ज़्यादा एक मर्द भी था जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था इनको अंदाज़ा होगा यही माँ बाप होंगे तो आते हैं तो इस खातून के पास उन्होंने कहा कि उनके पास वो उनके अब्बा हैं आते हैं अब्बा के पास कहा कि ये कैसा लड़का था ये तो बाप ने कहा था तो बहुत अच्छा बहुत नेक सब चीज़ थी सही थी बहुत ज़्यादा पढ़ा पड़, पड़, लिखा भी था और उस इल्म की खातिर जो है ये मगरूर हो गया था मगरूर हो गया था जिसकी वजह से जो है वो जब भी मजालस में हम लोग बैठते थे और कोई पूछता था कोई सवाल और जो ही मैं जवाब देने लगता था तो मुझे झड़क कर जो है वो चुप करा देता था और कहता था कि आप चुप रहें आपको नहीं आता आप जाहिर हैं आप अनपढ़ हैं मुझे आता है मुझे ये सब कुछ क्या तो दो तीन दफ़ा इसने इस तरह किया मेरा दिल जो है मुझे दिल आजारी हुई तो मरहूम आयतुल्लाजाल गुलपाई गानी उन्होंने कहा कि अभी इन गीले शिकवों की जगह नहीं है वक्त नहीं है ये तुम्हारा बेटा जो है वहाँ पर अभी फैलन मुश्किल में है और उसकी मुश्किल जो है तुम ही बरतरफ कर सकते हो बाप से कहा कि आप बेटे को माफ़ कर दें बाप ने कहा कि ठीक है माफ़ कर दिया कहा इस तरह नहीं अपनी ज़बान से अदा भी करो कि मैंने अपने बेटे को जो तो है माफ़ माफ किया बाप ने अदा किया लफ्ज़ में कि मतलब अपने बेटे से राजी हूँ उसे मैंने माफ़ किया फिर ये दोबारा आए कब्र के पास देखा कि वो लोग बंद कर रहे हैं कबर, कहा रुक जाओ दोबारा गए कब्र में उन्होंने तलकिन शुरू की कहा कि इस माँ हम सुनो समझो तो लड़का कहने लगा कि हाँ सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ और देखा कि वो जो शैतान जो वहाँ पर नाच रहे थे वो भी वहाँ से दफ़ा हो गए तो मैंने जो ही तलकिन ख़त्म की तो वहाँ पर देखा कि हज़रत अमीर बैत अहिल सब क़ब्र में मौजूद हैं और उन्होंने मुझसे फ़रमाया कि देखो तुमने अपना काम कर दिया यहाँ से जो है हम लोग इनकी इन, इनको देख लेंगे यानी हमारे चार्ज और हमारी कस्टडी में इसके बाद तो ये अकूक वालदे जो है वालदैन की नाफ़रमानी और फिर जो है उनकी नाराज़गी उसके जो है इस तरह के आसार हैं और अगर फिर कोई अले आज वालदेन को जो है वो नाराज़ी नाराज़ी करता है हैसुब खान जाल जब्ब्बारन शक़िया कि खुदावंद मताल ने हर उस आक को जो है बदबकत और सरकश करार दिया सुर मरियम में खुदावंद मताल फर्माता है कि इन्नी हज़रत ईसा फरमाते हैं यहाँ पर कलाम कलाम अलाही है कि हज़रत ईसा ने जब इकरार किया कि इन्नी आब्दुल्ला मैं खुदा का बंदा हूँ आतानी अल किताब मुझे किताब दी गई व जालनी नबी मुझे नबी बनाया गया फिर उसके बाद फ़र्माते हैं कि बर रन बे वालची वालमयाली जब बारन शक़ै और उसने मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया और मुझे सरकश और बदबक नहीं बनाया तो सरकश और बदबक नहीं बनाया तो यहाँ पर इमाम फरमाते हैं कि जो शख़्स आक वाल होता है जहाँ खुदावंद मतान ने उसे अाक़ जब्बारन शक़िया बनाया इसके बाद जो है इमाम फरमाते हैं कि वह कत्ल नफसिलती हरमल्लना बिल्क किसी का कत्ल करना हक किसी का कत्ल करना इसके लिए भी खुदा खुदाबंद ने क़ुरान में फ़ज़ज़ा अहू जहन्नम खालद फ़ीहा जजा उसकी जो है वो जहन्नम है जहाँ पर वो हमेशा के लिए रहेगा ख़ालदन फ़ीहा ये ख़लूद यानी एटर्निटी हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा और फिर कुरान की आयत भी यहाँ पर खुद है कि ये लोग जिनको जो है जहन्नम के अजाब में ये लोग मुब्तला होंगे ये लोग कहेंगे कि खुदा ये माले के जहन्म जो है जो कस्टोडियन है जहन्नम का उनसे ये लोग कहेंगे कि अपने परवरदिगार से कहो कि हमें मार दे मौत दे दे हमें क्योंकि ये तो बर्दाश्त से ही खा, खारिज है कि हर रोज़ जो है इस तरह की टॉर्चर हर रोज़ इस तरह की अजियत हर रोज़ इस तरह का अजाब और जो ही हम ख़त्म होने पर आते हैं दोबारा हमें नय, नय, नया 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 जिसम दिया जाता है दोबारा शुरू से यही अजाब हमें दिया जाता है लेकिन वहाँ पर खिताब आता है कि नहीं ये तो आखिर तक ऐसे ही होगा कोई आखिर है भी नहीं यहाँ पर यानी हमेशा तक यानी हमें खलूद है ये यानी आखिरत में खलूद है जन्नत में भी खलूद जहन्नम में भी खलूद खलूद यानी एटर्निटी वक़ वमुहसना यानी फिर इमाम फरमाते हैं कि किसी नेक और पारसा ख़ातून पर जो है तहमत लगाना तहमत जना क्योंकि खुदाबंद मत फ़रमायान फ़िर दुनिया व आखिर वज़ाबन आवई यानी खुदा ने भी जो इन, इस यानी वो लोग जो तहमत लगाते हैं पारसा और नेकतों पर उनके लिए जो है इस दुनिया में भी अजाब है आखिरत में भी अजाब है इस दुनिया में भी वो मलऊँ है आखिरत मलून है मलून यानी खुदा की जो है ख़ास जो रहमत होती है उससे वो दूर हैं मलून व यतीम यानी यतीमों का माल खाना यहाँ पर भी खुदा बंद मताल फरमाता है कि नफी बतून हम नारन सा ये वो हैं जो कि आग खाते हैं और इनके लिए जो है वो दर्दनाक अजाब भी जो है आकिया उनके लिए मौजूद है सही असल सा फिर फरमाते हैं कि जो एक जो एक और जो गुनाह गुनाह कबीरा है वो अल अल अलफ़रारिन यानी जंग के मैदान से फ़रार करना इसके लिए भी कुरान की आयत है और यहाँ पर भी खुदा बंद मत फरमाता है कि बान वाह जहन्न व बेसल मसीर इन्होंने जो है खुदा का गज़ब और ख़ुद ख़रीदा है और इनके लिए भी जो है दर्दनाक अजाब जो है जी हाँ तो खुदा ने खुदा के कहर व गजब में ये आ जाएंगे और फिर उसका ठिकाना भी दोजख होगा और वो बहुत बुरी जाएगा ये बार, बास गश्त है इसके बाद फरमाते हैं कि अक्ल रबा सूद खाना अब ये मसला जो है बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है खूसू इन वेस्टर्न ममालिक में जो लोग रहते हैं ये जो बैंक जो आपको सूद देती है ये कुफ़ार से सूद मिल रहा है इसमें जो है इसको लेना कोई इसमें हरज नहीं है सूद देना जो है मना है अब सूद यहाँ पर हम लोग बगैर दिए रह भी नहीं सकते जितने भी ये क्रेडिट कार्ड्स हैं मोर्गेजेज हैं या हायर परचेस है या, या गाड़ियों की जो फाइनेंसिंग होती है ये भी जो है ये एक डिमांड कर देंगे हम अपनी खुशी से नहीं देते इमाम खुमैनी का ये फतवा है वो फरमाते हैं कि ये क्योंकि डिमांड कर रहे हैं ये आपसे और फिर आप अपनी खुशी से भी नहीं दे रहे ये जो है नाखुशी जो आपके अंदर है बस काफ़ी है उस जिसकी वजह से फिर आप अगर वो डिमांड करते भी आप दे दें उनको लेकिन अपनी मर्जी से ना दें यानी अपनी मर्ज़ी से ना दें अगर कोई आप ऑप्शन हैं कि सूद का मामला करें या ना और पैसे हैं कि ना करें तो आप पैसे दे कर वो उस एग्रीमेंट में ना ही आए अगर मजबूर होते हैं और आपको तो ये इस तरह के मामला करने होते हैं तो कर तो उसमें जो है फिर इश्काल भी नहीं है मुसलमानों से सूद लेना आराम है मुसलमानों से आप सूद नहीं ले सकते व अक्लो रबा सूद खोरी क्योंकि खुदा वंद मताल ने फरमाया है कि नक़लू न रबा ला धी शैतान यानी वह लोग जो ये सूद का धंधा करते हैं तो उनके लिए जो है खुदावंद मताल जो है क़ियामत के दिन वो नहीं खड़े हो सकेंगे मगर उस शख्स की मानन जो कि जिसे शैतान ने अपने आसीब और हवास कर दिया है जिससे वो पहचाने जाएंगे वो देख कर ही मालूम होगा कि हाँ ये वो सूत खोर थे जो कि अभी शैतान के जो है वो आसेब में आए हुए हैं शहर जादू

ये भी नहीं है बीच में जो मिडल मैन है यहाँ पर ये जो बाबे वगैरह ये अपनी कमाई अपने बिज़नेस के लिए जो जे इस तरह के शोशे छोड़ते हैं ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा डरा दें धमका दें और फिर आ, इन चक्करों में लगा दें जादू वादू अगर आप नमाज रोज़े के अगर पाबंद हैं तो जादू वगैरह असर नहीं करता और अगर चाहते भी हैं कि जादू का तोड़ आपके पास हो सूरह अखलास इसको पढ़ा करें सूरह नास को पढ़ा करें सूरह फलक पढ़ा करें ये जो कुरान की तिलावत है इससे जो ये सारे जो ये जादू के तोड़ हैं कोई इन चीज़ों में आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कोई जादू नहीं करता अगर किसी ने किया भी है तो यही नमाज़ें जो है आपकी इनफ प्रोटेक्शन उससे जो है आपको जो है वो आप महफूज रहेंगे एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास आकर कहने लगा कि यार रसूलुल्लाह मुझे कोई नुस्खा दीजिए कोई दुआ दीजिए वो उस वक्त वो नमाज़ पढ़ रहा था वो मस्जिद में नमाज़ ख़त्म हुई इसकी फिर रसूल्लाह से ये दरख्वास्त की फरमाते हैं कुछ भी नहीं चाहिए तुम बिल्कुल ठीक हो तो दोबारा उसने वही दरख्वास्त की रसोल्ला फरमाते हैं तुमने जो नमाज़ पढ़ी ये नमाज जो है ये इनफ प्रोटेक्शन है तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए नमाज ही तुम्हारी हिफाजत करेगी यहाँ पर दरख्वास्तें आती रहती हैं एक फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि हम आपके टिकट का कर बंदोबस्त करते हैं कि ये करेंगे आप आए यहाँ पर देखेंगे जादू वगैरह है यहाँ पर या नहीं तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप क्या नमाज वग़ैरह सही है आपकी तो कहते हम लोग नमाज तो नहीं पढ़ते जब नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो बलैंग नाजिल होंगी नमाज जो है वो प्रोटेक्शन है नमाज जो है इंसान को बचाती है इन चीज़ों से यानी आपको किसी जादू के तोड़ की ज़रूरत नहीं किसी बाबे की ज़रूरत नहीं किसी की मदद की ज़रूरत नहीं किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं यानी खुद जो है अपना ही प्रोटेक्शन अपनी ही हिफाजत खुद ही कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी खुदा मंद मताल ने ये अहकाम हमें दिए हैं बताए हैं वो हमारी ही हिफाजत के लिए हैं नमाज जो है वो हमारी ही हिफाजत करती है खुदा को तो कुछ नहीं मिलता इससे रोज़ा भी जो है वो हमारी ही हिफाजत के लिए है हमारे लिए ही है यानी हमारी हिफाजत इस दुनिया में भी आखिरत में भी जो नमाज के पाबंद होंगे यहाँ पर भी महफूज हैं वहाँ पर भी महफूज रहेंगे जो खुदा की इतात वो जो पहले जो हदीस पढ़ी थी खुदा फरमाता है कि तुम मेरी इताद करो मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूँगा बेनियाज़ तुम मेरी इताद करो मैं तुम्हें जिंदा रखूँगा हमेशा के लिए तुम मेरी इतात करो मैं तुम्हें कनफून कुन का मालिक बना दूँगा सब कुछ जो वही इतात से ही है तो यहाँ पर जब इतात से सब कुछ खुदा देने के लिए तैयार है फिर ये जादू तोड़ और बाबे वगैरह कहाँ से आ गए सुबह से जादू ये भी जो है गुनाहान है कबीरा इसका मतलब ये नहीं कि जादू वगैरह नहीं है जादू है लोग जो है इसको मिस यूज़ करते हैं हज़रत मूसा के ज़माने में भी थे और इसके जो पायनियर्स जो हैं इसके जो सबसे हेड और चीफ़ और आगे आगे इस फील्ड में वो यहूदी उस वक्त भी थे आज भी वही हैं और जो आज भी जो चले आ रहे हैं उन नुस्खे वगैरह उन्हीं से लेते हैं इसके बाद इमाम फरमाते हैं कि जो गुनाह कबीरा है वना यकुल मैफ आज़ाद का यल़ा असामा युज़ाफ लजाब य उमलकियामची व युदुफ़ी महाना और जो कोई ऐसा करेगा तो वो गुनाह की सज़ा पाएगा क़ियामत के दिन भी उसका अजाब दो गुना कर दिया जाएगा और वो इस उसमें जलील उख़ार होकर हमेशा रहेगा तो इस गुनाह से भी जो है खुद अवंद मतान ने हमें मना किया है और रास्ते भी बिल्कुल आसानी रखे यानी कोई निकाह इतना मुश्किल काम है नहीं यानी अगर रजायत हो लड़का और लड़की की और फिर एक निकाह पढ़ा जाए तो यही इस गुनाह से भी इंसान जो है परहेज़ कर सकता है और इंसान को जो है जिल्लत मिलती है बाज गुनाहों गुनाहों से इंसान जलील हो जाता है ये उन गुनाहों में से है जिसमें इंसान जो है जलील होता है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी फिर गुनाहों का असर क्या है फिर कभी इंशाअल्लाह कभी तौफीक हुई तो उसका बताएंगे कि हर गुनाह का जो है एक इफ़ेक्ट और असर होता है मेरे माम फ़रमाते वलियमी वह झूठी कसम खाना झूठी कसम खाना या वो जो आहदो पैमान जो आपने किया है किसी के साथ कोई अगर ज़बान दी है या कोई अग्रीमेंट किसी के साथ किया है उसको तोड़ना उसके लिए भी जो है बहुत ही दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी और ख़ुदा की रमतों से इंसान दूर हो जाता है इन चीज़ों से वल गल वलो वल्लाजब यक़ूल वमैया गलोल या अची बेम या उमल़ियाम इसी तरह जो है धोखा देना किसी को या ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट या किसी को धोखा देने से भी जो है वही जो कुछ भी धोखा हमने दिया जो ख़ियात की है किसी के साथ वो जो है अपनी खियानत करदा चीज़ क़ियामत में अपने सामने बिल्कुल हाज़िर पाएगा मन और ज़कात ये भी गुनाहान कबीरा में से है कि ज़कात का ना देना यानी ज़क़ात में ये हम्स भी आ जाता है ज़क़़़त का ना देना हम्स का भी ना देना एक चीज़ जो कि हमारे यहाँ क्योंकि वो बहरहाल अफ़ानिस्तान में पाकिस्तान में सुन्नी इन्फ़्लुंस ज़्यादा है तो ये सवाल बार बार किया जाता है ज़क़़त के बारे में आम तौर पर हम लोगों पर जो है जनरली ज़क़त अप्लाई नहीं कर दी लेकिन अगर ज़मीन है आपके पास खेती बाड़ी आपके पास हैं जानवर हैं भेड़ बकरियाँ ऊँट हैं और अगर गल्लात हैं आप पास यानी बाकायदा तो उस सूरत में जो है वो या सोना चांदी अगर बहुत ज़्यादा है सरप्लस है या सोने चांदी का ही आपका बिज़नेस है तो उस सूरत में जो है ज़क़़त आप पर अप्लाई करेगा वरना जो है ज़क़़त नहीं ख़ुम्स है हम्स जो भी आपकी एनअल सेविंग होगी उस पर से हम्स देना होगा <coughs> और ये जो हम्स ज़क़़ात नहीं देते उनके लिए जो है खुदा बंद मताल ने कुरान में फ़रमाया फत खवा बेहा जबाह हम व जुनूब हम वह रम फुखवा बेह यानी उन पर जो है उनकी पेशानियों पर जो है वो और उनके दाग कर दिया जाएगा जिस तरह ये सील नहीं करते यानी यानी किसी गर्म चीज़ से उनको जो है वो सील कर दिया जाएगा कि पेशानियों पर पहलुओं पर पुश्तों पर जो जाए है दागा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि ये जो तुम तुमने अपने लिए जमा करके रखा है तो अब जो है इसका मज़ा चखो यानी जो कुछ भी इंसान जमा करता है उस पर से ज़क़ात तो खुम्स नहीं देता उस पर इसके लिए जो है खुदा उनको जो है वो दागा दागेगा दागा जाएगा उन पर और फिर ये ख़ुम्स ज़कात देने में जो है बरकत भी है फरमाते हैं कि जो ख़ुम्स देते हैं उनके जो है वो सेवनटीन गुना जो है ख़ुदा वापस कर देता है उनके पैसे अगर आपने कुछ दिया भी है ख़ुदा की राह में ख़ुम्स पर और जक़त की सूरत में तो वो वापस आ जाता है आपके पास और कई गुना ज़्यादा और बरकत जो है वो अलग से शहादत ज़ूर यानी झूठी शहादत देना यानी जो आजकल एक ट्रेंड है यानी जाते हैं वो कोर्ट्स वगैरह में जो कि नहीं हुआ उसको जो है वो बताते हैं जो कि ना हक था उसे जो है वो हक़ बना कर पेश करते हैं तो इसके लिए भी जो है खुदा बंद मताल फरमाते हैं कि वहीं यक हाफ इन नब यानी हर वो वही झूठी शहादत देना शुरबिल ख़मर शराब पीना और फिर शैतान का जो है एजेंडा यह है कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं इसमें जो है शराब आम कर दी जाए यानी कोई कबाहत ना हो फिर हदीस है रसूलुल्लाह जो है हज़रत अमीर से फरमाते हैं अगर कोई शख्स जो है वो शराब को तर्क करे तो मैं गारंटी देता हूँ मैं वादा करता हूँ कि वो जो है जन्नत की नहरों से वो राहीक से जो है उसको सीराब किया जाएगा यानी शराब को छोड़ दे यानी कि सिर्फ़ मुसलमान है और वो शराब नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं पी नहीं ले गई रहा है नहीं लेरल बस शराब नहीं पी नहीं शराब को तर्क कर दे खुदा की खातर नहीं गैर खुदा की खातर भी शराब को तर्क कर दे मैं गारंटी देता हूँ कि उसको मैं बचा लूँगा तो शराब जो है ये आ, उन गुनाहान कबीरा में से है जिसके लिए खुदा बंद ने मना किया है कुरान में कमान आना इबादतान जैसा उसने मना किया है कि बुतपरस्ती से इसी तरह जो है ये शराब से भी आ, मना किया है व को सलात मतम्मदन नमाज़ का ना पढ़ना जान बूझ कर फ़र नमाजें जो कि खुदा ने वाजिब करार दीं ले अल्लाह क़ाल मन तर के सलात मतमदन फ़कत व वम्मत रसूल जो कि जान बूझ कर नमाज को नहीं पढ़ता नमाज को तर्क करता है यानी खुदा के जिम्मे और अल्लाह के ज़िम्मे से जो है उसने अपने आप को बरी कर दिया यानी जो खुदा और रसूल से अपने आप को बरी कर दे दूर कर दे तो उसकी वह से कुछ बचा ही नहीं तो नमाज को जान बूझ कर ना पढ़ना बाज़ रिवायत में यह है कि कोफ्र की हद तक है यानी इंसान जो है वो काफिर हो जाता है नमाज के ना पढ़ने से नमाजों में ऊंच नीच हो जाती है कभी कभार जो है तवज्जो नहीं होती कभी अगर नमाज़ छूट गई या कज़ा हो गई उनको जो है अदा करें और फिर नमाज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें क्योंकि नमाज ही जो है वह असास दीन है नमाज ही जो है वो रुकन दीन है नमाज ही की खातिर जो कुछ भी हमारे पास है वो बाक़ी है नमाज ही की खातिर सैदुल शहदा ने जो है वो क़्याम किया नमाज ही की खातर अमीरामम ने भी जंगों में जो है वो देखते थे आसमानों की तरफ असहाब कहते हैं कि यह आमिर आसमान की तरफ़ क्यों देख रहे तो फरमाते हैं कि देख रहा हूँ कि नमाज़ नमाज का वक्त हुआ या नहीं जहर की तो उन्होंने कहते हैं कि या अली हम तो भी जंग में हैं यहाँ पर जंग में कहाँ से नमाज आ गई तो इमाम फरमाते हैं कि हम लोग ये जंग लड़ किस लिए रहे हैं सिर्फ इसी नमाज ही के लिए नमाज ही को बरपा करने के लिए बरपा रखने के लिए हम जो जीारतें पढ़ते हैं जियारतों में भी सबसे पहले अशहदन्न के कद अकम तस्सलात यानी इमाम हुसैन की जो तमाम सलाम भेजने के बाद जो पहला जो उनका कारनामा है वो ये कि हम शहादत देते हैं गवाही देते हैं कि आपने नमाज बरपा रखी ये सेंटेंस जो बनते हैं ये वो भी इसी की खातर यानी नमाज को बरपा रखने के लिए खातर यह एक आयत कुरान की अदीना इन फिल अर्द फिलाम सलात यानी खुदा खुदाबाज लोगों को कुछ तोानाई देता है हिम्मत देता है और उनको जो है एबिलिटी देता है पहला काम जो वो करते हैं अकाम सलात नमाज को बर्पा करते हैं तो ये नमाज को बर्पा करना जो है ये अम्बिया का काम है आयम्मा का काम है नमाज को बाकी रखना आयम्मा का काम है जो नमाज को तर्क करते हैं मतमदन इनके लिए जो है वो खुदा बंद मताल ने भी दर्दनाक अजाब रखा है वह इसी तरह जो है और भी इमाम फरमाते हैं कि वह नकवद अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट की है वादा किया है उसको आप तोड़ दें उलाकल्हुमल्ला वह सू उद्दार उनके लिए जो है लानत भी है लानत इन ख़ुदा की रहमत से ख़ास रहमत से दूर हो जाएंगे वह सू उद्दार सो उद्दार इन के लिए एक बुरा ठिकाना है खुदाबंद मताल जो है इस दुनिया को घर नहीं समझता दार यानी घर दार कहाँ पर है दार आखिरत में है अब ये आखिरत का जो दार है या तो हमें जन्नत में मिलेगा या तो हमें जहन्नम में मिलेगा तो ये जो क़ुरान की आ, आयत है ख़ुदाद मताल फरमाता उसमें के जी हाँ के किलादूना ओलोबन फिलद वला फसाद व तिलकद्दारत नजान लदीनादूनालोबन फिल फसादा यानी वो जो आख़िरत का जो घर है उनके लिए हमने रखा हुआ है जो इस दुनिया में बर्तरी नहीं चाहते और ना ही करप्शन और फसाद चाहते हैं वाला वालाबतलमुतिन आकेबत जो है मत्कीन के लिए है तो उनके लिए घर दिया जाएगा वहाँ पर जन्नत में और यहाँ पर जो गुनाहकार हैं यानी जो वादा करके जो है तोड़ देते हैं वादा खिलाफ़ी करते हैं इनके लिए लहु सूदार लहमुन व लहुम सदार लानत भी है उनके ऊपर और उनके लिए एक बुरा ठिकाना भी है वो बुरा ठिकाना वही जहन्नम है यानी उनके लिए जो कि वादा खिलाफी करते हैं कौला फिर यहाँ पर जो आ, आम्र था ये जिसने सुना कि इमाम ने जो है अट्ठारह गुनाह ज़िक्र किए और सबको जो है कुरान ही के, आ, के रोशनी में उनको बताया कि ये तमाम कबार हैं और ख़ुदाबंद मताल ने इस तरह उसकी सज़ा और ये आयत है लहू सरा मिन बक वह याकूल हलक मन क़ौल और फिर वो रोता हुआ जो है वहाँ से बाहर गया और वो कहने लगा कि हलाक होगा वो शख़्स जो कि कहे कि इलम जो है और फजल जो है इस घराने में नहीं है यानी अहल बैत ही से सीखना है अगर कुछ चाहिए तो अहल बैत से कुरान को मालूम करना है तब भी अहल बैत से यानी दुनिया चाहिए आप इमामों से लेंगे आखिरत चाहिए इमाम इमामों से लेंगे कामयाबी चाहते हैं इस दुनिया में भी आयम्मा की खातिर आखिरत में भी आयम्मा की खातर और अगर हम चाहते हैं कि कामयाब रहें आखिरत में भी और मौत भी हमारी जो है वो आ, आ, बरहक हो और शहादत की मौत हो तो वो भी उसी वक्त होगी जबकि साथ जो है आयम अथार का होगा यानी मन मातः अला हब्ब आल महम्मद मात शहीदा यानी जो शख्स मरेगा उस मोहब्बत में यानी ना कि जिएगा बहुत से लोग हैं जो जीते हैं मोहब्बत में लेकिन मरते वक्त जो है वो स्लिप हो जाते हैं जो जिएगा और जो मरेगा यानी जो मरेगा उनकी मोहब्बत में वो उनके साथ रहेगा खुदा या बक ज़हरा व अबी हा वाल वा हा वनी हा व सरमु उदाफी हा या अल्लाह अल्लाह अल्ला या अ्लाया अ्लाुआया बक्क मोहम्मद व अल मोहम्मद हमें जो है इन तमाम गुनाहों से तो दूर रख खुदाया जो मोहब्बत है क़ुरान अहल वैद और तेरी मोहब्बत जो हमारे दिलों में है इसे जो है बरजा रख खुदाया मौत को जो है हमारी ज़िंदगी का सबसे मीठा मौका और मीठा लम्हा करार दें दुनिया बरज़ और क़ियामत में कुरान और अहल बैत के से एक आन भी जो हमें जुदा ना कर औलाद को हमारी नस्लन बाद नस्लन बेहतरीन मुसलमानों में तो शुमार कर इमाम के ूर में ताजील फरमा इस्लाम और मुस्लिमीन को सरबुलंद फरमा खफ्र और शर्क़ और नफाक को नाबूद फरमा खुदाया जो बीमार हैं उन सब शफाए आजल और कामिल मरहमत फरमा जो गुजर गए हुए हैं गरीक रहमत फरमा खुदाया इस मजलिस का सवाब जो है हमारे मरहूमिन को मिनल मिनलिन वल आखरीन सब को पहुँचे वादलफ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान व सुबहान रबाज़्ज़्ज़्ज़्त रब अम्मायफ़ून वसलाम आलमसलिन वहदल्ला रबिलमी अल्लाह व आल महमद वाजलफरज